सही पूछा आपने, ऐसी कौन सी चीज है जो मिट्टी की नहीं है। आपके सामने जो कुछ भी दिख रहे हैं, चाहे मकान हो, दुकान हो, सड़क हो, रोड हो, लोहा हो, बर्तन हो, सोना हो, चांदी हो, हर चीज जो भी आपके सामने दिख रहे हैं वो सब की सब मिट्टी की है, मिट्टी की है। आप अपनी आंखों से जो भी देखते हैं वो सब मिट्टी की है, चाहे वो बड़ा से बड़ा पत्थर ही क्यों ना हो, वो सब मिट्टी की है। साथियों, हवा, पानी और मिट्टी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हर चीज में सम्मिलित होती हैं। आप कहते हो कि मैंने हवा को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने हवा को भी देखा है। दोस्त, हवा को देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको हमें फील कर सकते हैं। हवा, पानी, पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी नीला भी दिखता है, पानी पीला भी दिखता है, पानी लाल भी दिखता है, पानी काला भी दिखता है, पानी का कोई रंग नहीं होता। हवा को महसूस किया जा सकता है, पानी को कोई रंग नहीं होता। और मिट्टी जो कई तरह की, कई रंगों में जो चीज दिखता है उसका कोई रंग नहीं होता, वो बेरंग होता है, मिट्टी का कोई रंग नहीं होता। कहीं मिट्टी काली है, कहीं मिट्टी सफेद है, कहीं मिट्टी लाल है, कहीं मिट्टी भूरे कलर का है। और ये तीन चीज एक साथ विराजमान होते हैं, एक साथ विराजमान होते हैं। आप नदी को देखे होंगे, नदी में उस पानी को भी देखे होंगे, लेकिन आपको उसमें हवा नहीं दिखता होगा। लेकिन आखिर वो लहरें कैसे जाती हैं, आप थोड़ा सोचिए और अपने मन में विचार कीजिए। चाहे वो नदी की पानी हो, समुद्र की पानी हो, या किसी तालाब की पानी हो, वहाँ पे हवा विराजमान होता है। उसकी लहरें जो चलती हैं उस नदी में, झरने में जो लहरें चलती हैं, वो हवा का इशारा होता है। उसके नीचे जाके आप देखेंगे तो मिट्टी होती है, उसके साथ साथ पानी होता है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, ये तीनों एक साथ ही रहती हैं। बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक शाम को 5:30 बजे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।